हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे टॉपिक से पास्ट टेंस। आज मैं आपको बताऊं तो कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस, देयर आर टू टेंस इन इंग्लिश, पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। द पास्ट टेंस इन इंग्लिश इज यूज्ड, हम किस तरह यूज करते हैं इंग्लिश में। नंबर वन है टू टॉक अबाउट द पास्ट, ठीक है। टू टॉक अबाउट हाइपोथेसिस, वी आर इमेजिन समथिंग, ठीक है। हम एक इमेजिन फाइंड करते हैं, व्हेन वी इमेजिन समथिंग, ठीक है। फॉर प्रोटेनस, ठीक है। फिर हमारे पास है देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ टेंस फॉर्म्स इन इंग्लिश, ठीक है। हमारे पास फोर पास्ट है, पास्ट सिंपल, ठीक है, पास कंटिन्यूस, पास परफेक्ट, पास परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। हम किस तरह पहचान सकते हैं पास टेंस को, हम इस तरह के आई के साथ हम वर्ड के साथ ईडी लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वर्क, वर्कड, ईडी हम लगा सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है पास कंटिन्यूस, हमारे उसके साथ हम एक वर्ड लगाते हैं आई के साथ, फिर वर्किंग वर्क या ईडी तक या आईएनजी तक, ठीक है, हम वर्किंग आई के लगाएंगे। फिर हमारे पास है पास परफेक्ट, हम आई हैड वर्कड, हम हैड लगाते हैं, ठीक है। पास परफेक्ट कंटिन्यूस, हम हैव बीन वर्किंग, हम बीन लगाते हैड बीन, ठीक है। फिर हमारे पास है वी यूज दीज फॉर्म्स टू टॉक अबाउट द पास, ही वर्क एट मैकडोनल्ड्स, ही हैड वर्क देयर सिंस जनवरी, ठीक है, जनवरी। ही वॉज वर्किंग एट मैकडोनल्ड्स, ही हैड बीन वर्किंग देयर सिंस जुलाई, ठीक है। He worked at McDonald's, ठीक है। He had worked there since July. फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट, he was working, या ईड था या ing था, ठीक है। Working at McDonald's, he had been working there since July, ठीक है। फिर उसके बाद to refer to the present or future and hypothesis. It might be dangerous, suppose they got lost, ठीक है। फिर हमारे पास है दिस यूज इज वेरी कॉमन इन विशेसेस, आई विश, आई इट वाजंट सो कोट, ठीक है। एंड इट कंडीशन विद इफ, फिर हमारे पास है ही कुड गेट अ न्यू जॉब, उसको न्यू जॉब मिला, ठीक है। एंड इफ ही रियली टायर्ड, इफ जैक वाज प्लेइंग दे वर प्रोबेबली विन, ठीक है। फिर हमारे पास है अनदर एग्जांपल, For hypothesis, wishes and conditions in the past, we use the past perfect, ठीक है। Number one example, it was very dangerous, what if you had got lost, ठीक है। Second point, second example, I wish I hadn't spent so much money last month, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा example है, I would have helped हेम इफ ही हेड हास्ट, हम ई डी लगाते हैं। फिर हमारे पास है एंड आल्सो टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट एंड फ्यू राइट एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ दिस वॉज द ट्रेन फॉर यॉर्क, ठीक है। फिर हमारे पास है आई जस्ट होप्ड यू वुड बी एबल टू हेल्प मी, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है। पास्ट टेंस वन, पास्ट टेंस टू, ठीक है। ये पास्ट सिंपल सिंपल है, कंटिन्यूज है, इम्परफेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये सब ये सब है, ये पास्ट टेंस, ठीक है। हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हम पास्ट सिंपल के किस तरह ईडी हम लगाते हैं सिंपल में, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यूज में हम वर्किंग लगाते हैं, आईएनजी, ईडी रिमूव करते हैं, फिर ईडी की जगह हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये परफेक्ट में हम आईएनजी की जगह ईडी, ठीक है, एंड वॉज की जगह हेड लगाते हैं। ये हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। फिर पास्ट कंटिन्यूज में किस तरह पहचान सकते हैं, किस तरह पता चलते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। हम ये परफेक्ट में हम हेड है या हेड बीन लगाते हैं, या सिर्फ हेड है, ये परफेक्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हेड बीन लगाते हैं वर्किंग, यही आसानी से हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है।
ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसे कहते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। थैंक यू।